दो फिल्में तो याद हैं, कुछ कुछ होता है और एक सनम समथिंग थी माधुरी शाहरुख और मैं। हम लोग एक दूसरे की फिल्म में वो गेस्ट अपीयरेंस करते रहते हैं, एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि यू नो एक ऐसा है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री और एक एक बॉन्ड है हमारा। मैं तो अपने फैन से कहते रहता हूँ कि क्या आपने शायद कपिल के शो में भी देखा होगा कि तुम्हारे भाई का भाई है। बेसिकली ये नेगेटिविटी, ये ट्रोलिंग वगैरह मेरे को समझ में आती नहीं है, तो जो चीज़ मुझे समझ में आती नहीं वो मुझे बॉदर नहीं करती। वर्ल्ड कप चल रहा था और दिवाली थी, तो सबका इंटरेस्ट उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप में होगा और दिवाली पर कॉन्सेंट्रेशन होगा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे नंबर्स जो आए हैं वो बड़े कमाल के आए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर वाले ने जो हमको और जोया को और अदि को और टाइगर की जो एक सीरीज़ और जो करियर बख्शा है वो बहुत ही कम लोगों को ऐसा एक एक मौका मिलता है कि बार बार आए और बार बार इतना ढेर सारा प्यार मिले, तो उसके लिए हम बड़े ही खुशनसीब और खुशगुजार हैं। हमने इनके डिस्ट्रीब्यूशन हेड से बात की थी तो उन्होंने कहा था हमको सलमान के स्टारडम पे इतना भरोसा है कि संडे हो दिवाली हो लोग टूट के आएंगे। और मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने गिटी गैलेक्सी पे हमारी दो टीम थी, लोग स्कार्फ बांध के मफलर बांध के, मतलब वो फैनों की जो दीवानगी थी वो हमने देखी और लाइव कवर किया। जेन्युइनली आप अपने फैंस को आपके थिएटर में पटाखे चला दिए, आपने ट्वीट भी किया। जी जी जी, वो तो वो पटाखे चलाना थिएटर में वो बड़ा ही हानिकारक होता है, डेंजरस होता है, और मैं इसके बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं हूँ। एक वो है और एक वो जो दूध यू नो चढ़ाना होता है, तो बेचारे बच्चे हैं जो कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो फैंस हैं और वो एक्साइटमेंट में कर जाते हैं, लेकिन अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाए नहीं जाके गरीब बच्चों को पिलाएं। अब ऑन स्क्रीन बेस्ट कपल हैं आपके, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है से टाइगर थ्री तक, ये बिगेस्ट फ्रेंचाइजी है अभी तक जी, क्या आप लोग के फीलिंग्स है, क्या इसके बारे में क्या कहना? मुझे तो बड़ा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है ये कैरेक्टर टाइगर का और उसके साथ जोया का, तो एक सलमान और कटरीना की जो केमिस्ट्री थी, जब जब हमने एक पिक्चर जो पिक्चर की है वो उन पिक्चरों में मेरे साथ नहीं थी और वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी, और फिर एक पिक्चर आई युवराज जिसमें कोई केमिस्ट्री नहीं थी, फिर उसके बाद टाइगर आई जिसमें केमिस्ट्री थी, क्योंकि वो कैरेक्टर्स बड़े अच्छी बड़े अच्छे तरीके से स्केच किए गए थे और कहानी भी वैसे ही जी। तो ये जो केमिस्ट्री जो आप देख रहे हैं वो सलमान कटरीना की केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि है टाइगर और जोया की केमिस्ट्री। आपने कैमियो किया शाहरुख की फिल्म में, शाहरुख ने कैमियो किया आपकी फिल्म में, जी हाँ, क्या ये बॉन्ड कैसे है, क्या कितनी इससे फ़ायदा मिलता है, या ये दोस्ती में है, ये कैसे? मैंने काफ़ी शाहरुख के लिए गेस्ट अपीयरेंस किए हैं, एक मुझे दो फिल्में तो याद हैं, कुछ कुछ होता है और एक सनम समथिंग थी माधुरी शाहरुख और मैं, अदि मान ने, और शाहरुख ने भी काफी किए नहीं, और कबीर खान की फिल्म और फिर ट्यूबलाइट में, तो हम लोग एक दूसरे की फिल्म में वो गेस्ट अपीयरेंस करते रहते हैं, अच्छा लगता है, फैंस को अच्छा लगता है, एक हम तुम्हारे हैं सनम, वो एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि यू नो एक ऐसा है, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री और एक एक बॉन्ड है हमारा। हमारा सोशल मीडिया पे आप कितने अच्छे बॉन्ड है, आप इतने अच्छे दोस्त हैं, और सोशल मीडिया पे आपके फैंस बहुत लेट डाउन करते हैं एक दूसरे को डाउन। जी हमने बहुत कोशिश की है उनको ये कहने के लिए कि स्पेशली मैं तो अपने फैंस से कहते रहता हूँ कि क्या आपने शायद कपिल के शो में भी देखा होगा कि तुम्हारे भाई का भाई है, तो इसके ऊपर कुछ आए नहीं, तो मेरे फैंस जो हैं वो नहीं करते इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया इतना देखता नहीं हूँ, तो मुझे ये और बेसिकली ये नेगेटिविटी, ये ट्रोलिंग वगैरह मेरे को समझ में आती नहीं है, तो जो चीज़ मुझे समझ में आती नहीं वो मुझे बॉदर नहीं करती। आपकी मैंने ना ही शाहरुख को आपकी मैंने प्यार किया से लेके टाइगर थ्री तक सब फिल्में देखी हैं। अभी हमें इंटेंस जो सलमान दिखता है, जब आप कपिल शर्मा शो पे जाते हैं जिसके आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप हंसाते तो हैं, हंसते भी बहुत जी जी जी, आपकी वो विटी साइड हमें कभी देखने मिलेगी। देखिए वो टीवी का साइड है,
अब टाइगर का कैरेक्टर मैं ऐसे तो नहीं प्ले कर सकता हूँ जैसे कि मैंने अंदाज अपना अपने में किया है या हेलो ब्रदर में किया या कपिल के शो में या जिस शो में जाता हूँ वैसे नहीं प्ले कर सकता टाइगर कैरेक्टर, क्योंकि टाइगर का कैरेक्टर टाइगर का नहीं होता फिर वो लेकिन थोड़ा सा है मतलब शाहरुख और सलमान के जो सीक्वेंस है टाइगर में उसमें काफी ह्यूमर है, काफी वन लाइनर्स है, विटी है, मुझे काफी फनी है। वो है लेकिन हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना हम हंस रहे हैं, वो वन लाइनर्स हैं जो कि अच्छे पड़ जाते हैं।